अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अरवी आलू का सालन। और बहुत से लोगों को अरवी बनाने सही तरीके से नहीं आती, तो आज की इस रेसिपी में मैं आपको बताऊँगी किस तरह से अरवी का सालन बनाते हैं। और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी बनने वाली है हमारी अरवी। तो इसके लिए हम देखते हैं हम कैसे इसको बनाएंगे। इसमें कोई लेस नहीं रहेगी, जिस तरह आप लोग पकाते हैं लेस वाली, ये बिल्कुल वैसी नहीं बनेगी। इसके लिए हमें चाहिए प्याज 2 अदद कटे हुए, और आलू हमने काट के रख लिए हैं, 2 लेमन, हरी मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, टमाटर और अरवी जो मैंने भिगो के रख दी थी काट के। अब इसको धोने का सही तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने अरवी लेनी है, इसमें 1/2 गिलास आप पानी डालेंगे और 2 चम्मच जो हैं हमने आटे के डालने हैं, और वो डाल के हम इसको अच्छी तरह से मलेंगे। एक एक करके अरवी को हमने मलना है अच्छे तरीके से, तो वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट कर दी है। और फिर जब आप इसको अच्छी तरह, ये देखें लेस इसकी निकल गई है, आप इसको दूसरे बर्तन में निकालें, पानी से अच्छी तरह से धो लें तो इसकी सारी लेस निकल जाएगी। और अब आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, टिश्यू ले लीजिए, इसको अरवी को इसके ऊपर फैला लें, तो इसको खुश कर लें। खुश करने के बाद आपने ऑयल गरम करना है और ऑयल में अपनी अरवी को फ्राई करना है। हमने इसे लाइट ब्राउन फ्राई करना है। फ्राई करने से भी इसमें लेस नहीं रहेगी। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। ये अब हमारी अरवी फ्राई हो गई है ब्राउन सी, लाइट ब्राउन। मैं इसे एक बर्तन में निकाल के अलहदा रख लूँगी, और इसके बाद मैंने इसका मसाला तैयार करना है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें कि आपकी अरवी जो है बिल्कुल लेसदार नहीं बनेगी। अब यहाँ हमने ले लिया है एक पैन, इसमें मैंने तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने ऑयल डाला है, आप 1 कप से थोड़ा सा कम कर लें। और इसमें मैंने प्याज डाल के इसको भी हल्का ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है। और फिर अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने इसमें डाली है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बनती है, इतनी मैंने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाली है। इसको भी 1 से 2 मिनट तक हमने फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर भी हमने तकरीबन 2-3 मिनट तक हमने इसको भूनना है टमाटर को भी। और फिर अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, और अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च कुटी हुई। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपको तीखी मिर्च पसंद है आप उस हिसाब से डालिएगा। यहाँ मैंने दरदरा कुटी मिर्च भी डाली है, लाल मिर्च, और कसूरी मेथी 1/2 टेबल स्पून डाली है, इससे बहुत मज़े का खुशबू आती है, जायका आता है। और थोड़ी सी अजवाइन डाली है, चुटकी सी डाली है। तो ये वैसे तो अजवाइन हर हांडी में एक चुटकी ज़रूर डालनी चाहिए। ज़ीरा डाला है, 1/2 टेबल स्पून डाला है इसमें। और इसको ये देखें हमारा मसाला तकरीबन यकजान हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसमें जो अरवी हमने फ्राई की हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही हम डालेंगे आलू, 2 अदद आलू तकरीबन मैंने काटे थे, दरमियाने साइज़ के आलू मैंने ले लिए थे, उनको मैंने इस तरह से कट कर लिया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसको तकरीबन 1-2 मिनट तक इस तरह से फ्राई करेंगे। और जो मसाला जात रह गए थे, पिसा सूखा धनिया मैंने इसमें डाला है, और ये गरम मसाला थोड़ा सा डाला है, ज़ीरा डाला है, इस ये डाल के अब इसको थोड़ा सा पानी लगा के हम इसको रख देंगे। और नमक हम डालेंगे इस टाइम पे, मैं नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको नमक पसंद है। तो अब पानी थोड़ा सा तकरीबन 1/2 कप पानी इसमें डाल के, तो इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे, और इतने टाइम में जो है हमारी आलू अरवी पक के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। हमारा ये सालन भी किसी गोश्त के सालन से कम नहीं बना, बहुत मज़ेदार टेस्टी बना है। और आप भी ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, और देखेंगे आप बिल्कुल कि इसमें कोई लेस नहीं रही। आप अरवी जो है हमेशा इस तरीके से पकाई जाती है, इसको थोड़ा फ्राई करके आटे से इसकी लेस निकाल के फिर पकाई जाती है। तो आप भी बनाएं तो आपको यकीनन ये तरीका पसंद आएगा, और ऐसे ही बनती है। तो अब इस टाइम पे हमने हरी मिर्च और जो लेमन का जूस था वो इसमें हम इस टाइम पे डालेंगे, हरा धनिया डाल दिया, तो हमारा ये मज़ेदार सा आलू अरवी का सालन तैयार है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट, और ये देखें हमारा मज़ेदार सा आलू अरवी सालन। तो मज़े लेके खाएं, और फिर आप बनाइएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
और मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।